हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे प्राइमर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि प्राइमर का यूज़ हमारे फाउंडेशन को सेट करने के लिए किया जाता है। प्राइमर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा DIY है जो मैं बताने जा रही हूँ। आप इसका यूज़ करके प्राइमर बना सकते हैं, एंड ये भी उतना ही इफ़ेक्टिव है, उतना ही काम करेगा जितना आपका मार्केट का परचेज़ किया हुआ प्राइमर काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइमर बनाना। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, प्राइमर बनाने के लिए हमें इन दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास यहाँ पर है पतंजलि का एलोवेरा जेल, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इसके साथ ग्लिसरीन। ये आप देख सकते हैं, आप किसी भी ब्रांड की ग्लिसरीन एंड एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। तो प्राइमर को स्टोर करने के लिए मैं एक छोटे से बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी जो घर में खाली हो वो बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल रहे हैं, ये देखिए, ये आधे टेबल स्पून के करीब होगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 से 5 बूंदे ग्लिसरीन की, ये देखिए। ग्लिसरीन ऐड करने के बाद, अगर आप चाहें तो ये चीज़ ऑप्शनल है, बट मैं इसमें ज़रूर यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, मैं जॉय का सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा सनस्क्रीन ऐड कर दिया है, एंड अब हम इस सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इस प्राइमर को आप अपने फ्रिज में 3 से 4 महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ एक छोटा सा डेमो अपने हैंड पर। मैं एक तरफ लगाऊंगी बिना प्राइमर के फाउंडेशन, और एक तरफ मैं प्राइमर के साथ फाउंडेशन लगाऊंगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर बिना प्राइमर के फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैंने अपने हैंड पर फाउंडेशन लगा लिया है, एंड मैं अब दूसरी तरफ, सबसे पहले जो हमने प्राइमर बनाया है, मैं इस प्राइमर को लगाऊंगी, एंड इस प्राइमर के ऊपर मैं अपना फाउंडेशन लगाऊंगी। आपको खुद रिजल्ट दिख जाएगा, ये देखिए। अब मैं इस प्राइमर के ऊपर फाउंडेशन लगा रही हूँ, ये देखिए, मैंने अपने फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं, बिना प्राइमर के फाउंडेशन और प्राइमर के साथ फाउंडेशन, कितना अमेजिंग लग रहा है, और वो भी हमारे DIY प्राइमर के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिए DIY प्राइमर को, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।